वीडियो हम शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है तो उनका हम 125वां जन्मदिन मनाएंगे 23 जनवरी 2022 के लिए। तो जानते हैं सुभाष चंद्र बोस किस राज्य से थे, किस जिले से थे, उनका क्या योगदान रहा हमारे राष्ट्र की आजादी में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं पहले इन्हें नेताजी उपाधि क्यों दी गई, इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, शिक्षा उनकी कैसी थी, उनको कौन कौन सी परीक्षाएँ दी, उनके पिताजी क्या करते। 23 जनवरी 1857 में जन्म हुआ, कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है कटक, तो कटक नामक स्थान पर जन्म हुआ 23 जनवरी 1857 के लिए उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य हमारा पूर्वी राज्य है। उड़ीसा राज्य कहाँ पड़ता है अगर हम बात करते हैं तो यूपी, बिहार के जस्ट नीचे आता है झारखंड, और झारखंड के पूर्व में पड़ता है पश्चिम बंगाल से ठीक नीचे जो पड़ता है वो उड़ीसा पड़ता है। इनकी पूर्वी राज्य है, पूर्वी तट पर बसा हुआ राज्य है। बोस के जो पिताजी थे वो सरकारी अधिवक्ता थे, इनकी सरकारी वकील थे। इन्होंने BA उत्तीर्ण करने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंडिया में ही हुई, और BA उत्तीर्ण करने के बाद में इन्होंने क्या किया, ये इंग्लैंड चले जाते हैं। किस लिए ये इंग्लैंड जाते हैं, ICS परीक्षा पास करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम है, इन्होंने पास करने के लिए वहाँ इंग्लैंड चले जाते हैं। और परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने परीक्षा पास भी की, जब ये भारत लौट कर आते हैं त्याग देते हैं, और इनका जो लगाव होता है या जो चाहत होती है वो उस समय आंदोलन जो राष्ट्र में हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो इन सब को देखकर इनका जो मन था, इनकी आत्मा थी, वो भारतीय नागरिकों को आज़ादी दिलाने के लिए उनके आंदोलन की साइड में मुड़ जाता है या उधर उन्मुख हो जाता है। इसके उपरांत क्या करते हैं, इन्होंने नौकरी का ख्याल छोड़ देते हैं और आंदोलन भाग लेते हैं। गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए ये प्रण लेते हैं। उसी समय 1938 में, यानी कि सन 1938 में क्या होता है, इनके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं ये, कौन सन में बनते हैं, 1938 में। एक साल इस पद पर कार्य करते हैं, 1939 में ये पद छोड़ देते हैं। 1939 में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। तो 1939 बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है, इसमें दो काम होते हैं। इन्होंने त्याग पत्र दिया, यानी राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था वो छोड़ दिया। 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का एक दल था उसको स्थापित किया, और 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। इन्होंने मन बनाया अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाए, उसका कारण था क्योंकि अंग्रेजों ने इनके लिए नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद करने के लिए आप समझें तो उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि वो ऐसी जगह उनके लिए बंद कर दिया जाता है कि वो बाहर आकर कोई अपना काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, एक पठान जो हमारे इस्लाम धर्म में लोग होते हैं, वो पठान का पहनावा होता है, मौलवी यानी कि जो दाढ़ी रखते हैं पठान, पगड़ी भी बांधते हैं, तो वे काबुली पठान बन गए। इन्होंने काबुली यानी कि काबुल जो हमारा कहाँ है, काबुल नामक शहर है हमारा अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के जो पठान होते हैं और फिर जो काबुल रहने वाले होते हैं उनके लिए काबुली पठान कहा जाता है। तो इन्होंने काबुली पठान का बेस बनाकर इन्होंने क्या किया, वहाँ से यहाँ से भारत से ये निकल गए। कहाँ पहुँचते हैं, कई देशों में पहुँचते हैं, ये अफगानिस्तान जाते सबसे पहले, उसके बाद में जर्मनी पहुँचते हैं, जर्मनी के बाद जापान पहुँचते हैं, जापान के बाद पहुँचे हैं कि कहाँ पहुँचते हैं, बर्मा पहुँचते हैं, और बर्मा के लिए आज की डेट में हम जानते हैं म्यांमार के नाम से। तो वर्तमान नाम बर्मा का म्यांमार है, प्राचीन नाम इसका बर्मा था। ये भी हमारा पड़ोसी देश, आज पड़ोसी देश है, प्राचीन समय में हमारा ही देश था, यहाँ तक बर्मा जो था, बर्मा तक हमारा देश का राज्य था, यानी हमारा देश और बर्मा एक ही थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बर्मा में जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो अपने हिंदुस्तानी सिपाही थे उन सिपाहियों से जो कहा उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा दिल्ली चलो, सबसे पहले कहा दिल्ली चलो, और सिपाहियों के लिए नारा ये दिया, स्लोगन,
कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसलिए आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना भी इन्होंने की, और उसी कारण इनके लिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। वे बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि हम जो हैं अपने महापुरुषों के बारे में भी जानें कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए स्वतंत्र हवा में सांस लेना, जो हमें आज़ादी दी है कि हम आज़ादी से कहीं भी जा सकते हैं और घूम सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब कैसे मिला? हमें सेक्रीफाइस से मिलता है। बगैर बलिदान के हमें कहीं आज़ादी नहीं मिलती है। तो ये आज़ादी जो है हमारे महापुरुषों की बलिदान की देन है, इसको बनाए रखिए और महापुरुषों के लिए हमेशा रखिएगा। इसी साथ में जय हिंद, जय भारत।